देखिए ये आप लोग यहाँ पे गेट बंद हो रहा है। देखिए गेट जैसे ही बंद होगा देखो कितने लोग यहाँ पे आते हुए आपको देखेंगे। देखिए जैसे ही गेट बंद हुआ है देखो ये एक दौड़ता हुआ एक बंदा देखो आ रहा है। मतलब मैंने आपसे कई बार कहा देखिए आप कितने लोग यहाँ पे ऐसे देखा जाए भविष्य खराब हो जाता है। शायद आपका यहीं से सिलेक्शन होना होता, शायद यही लिखा होता आपका सिलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग आएंगे और क्या क्या होगा सारा सब कुछ आप यहाँ पे देखिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पर पहुँचा करिए, थोड़ा पहले पहुँच जाया करिए, घंटे पहले पहुँच जाया करिए, जिससे आपको सारी समस्याएँ ना आए। देखिए आप क्या क्या होता है पूरा प्रोसेस देखिए यहाँ पे। यहाँ देखो फिर से कई सारे स्टूडेंट्स का देखो पेपर छूट चुका है। मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि आप लोग जल्दी आया करिए। देखो इनका एग्जाम छूट गया, कैसा फील कर रहे हो? एग्जाम छूट गया अच्छा अच्छा है, फिर महसूस कर रहे हो? चलो पहली बार हमने और बड़े के लिए बने हैं। पहली बार हमने देखा है कोई बंदा ऐसा जिसका पेपर छूटने में कोई दुख नहीं है, बहुत खुशी है। बहुत ही सही बात है, कोई इसमें खैर ऐसी बात नहीं है, शायद कुछ अच्छा लिखा हो। तो देखिए इतने स्टूडेंट देखो काफी सारे यहाँ पे जो है लेट आए, बस थोड़ा सा एक दो मिनट लेट हो गए थे। तो आज देखो इनका एग्जाम छूट चुका है कई सारे लोग। तो आप सबका छूट गया ना एग्जाम? अच्छा अच्छा, तो जल्दी आया करिए एग्जाम में, टाइम से आया करिए, 15-20 मिनट पहले आओ। तो नहीं एक घंटे पहले आओ, सिर्फ 15-20 मिनट नहीं, एक घंटे पहले आपको आना है एग्जाम सेंटर में, अन्यथा फिर कोई एंट्री नहीं होगी। एक सेकंड भी लेट हो जाओगे एंट्री नहीं होगी। तो टाइम पे आया करो। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आप जल्दी आया करिए। वीडियो मैं आपको हमेशा डालता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ, जिससे कि आप लोग लेट ना हो। लेकिन अब तब भी पता नहीं क्या होता है, बहुत से लोग खैर देखते नहीं होगे ना, इसलिए कोई बात नहीं है। चलिए फिर।